हेलो एवरीवन, शेफ धीरज शो में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ शेफ रमेश खत्री हैं, जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव शू शेफ हैं रेडिसन ब्लू होटल आपके तमिलनाडु के, और शेफ हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। आज शेफ के साथ उनकी जो भी पूरी जर्नी है हम लोग वो आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोगों को इस पूरे जो कन्वर्सेशन हमारे बीच में होगा ये किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है। आपको पता चलेगा कि अगर आप किसी एक छोटी जगह से भी आते हैं, अगर आपने एक छोटे रेस्टोरेंट वगैरह में भी काम किया है, बट अगर आपके सपने बड़े होते हैं और आपकी सीखने की इच्छा होती है तो आप एक बहुत आगे एक फाइव स्टार होटल के लेवल पे भी जा सकते हो। शेफ स्वागत है आपका शेफ हमारे चैनल पे। और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आपकी कैरियर की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? नमस्कार, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबका धन्यवाद। मैं बेसिकली जो मैं अपना थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट देता हूँ, हाँ जी, हाँ तो जी। बेसिकली गढ़वाल टीरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है, हाँ जी, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। और मेरे जो करियर की शुरुआत है तो 2013 में मैंने पास आउट किया था मैनेजमेंट से। ओके। और उसके बाद वहीं पे जस्ट के बगल में मधुबन होटल है, उसी में मैंने जॉब ट्रेनिंग की थी और वहीं से स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। और उसके बाद मैं डायरेक्ट वहीं से अपॉइंट हुआ था कैंपस सिलेक्शन के थ्रू, बोले या अपने जो रिलेशन में थे उसके थ्रू, तो मैं डायरेक्टली वहां से केरला में एक रिजॉर्ट है निकिता बीच रिजॉर्ट। ओके। तो वहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एज ए कॉमी सेकेंड से वहां पे मैंने ज्वाइन किया था। ओके। हाँ जी। और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जो सीनियर से काम करके, बहुत कुछ सीखने को मिला और काफी मुसीबतों का सामना भी इसमें हमको करना पड़ा, जिसको हार्ड वर्क भी बोल सकते हैं। काफी स्ट्रगल करने के बाद वहाँ पे काम किया स्टार्टिंग में। हाँ जी। तो यही है अपना जो करियर स्टार्टिंग है। हाँ जी। सर, जैसे मैं भी गढ़वाल से हूँ, मैं ये मतलब मेरे को भी ये क्यूरियोसिटी रहती है कि जैसे कि भाई गढ़वाल के लोग अधिकतर जो शेफ ही क्यों बनते हैं? मेनली अगर आप देखोगे ना, या तो कोई फौज में जाएगा या कोई शेफ बनेगा। मुझे भी नहीं बनना था, बट मैं तो सीए बनना चाहता, शेफ बन गया। मुझे भी नहीं पता क्यों, बट क्या ऐसा क्या है, अगर आप कुछ इस बारे में आप बता पाओ अगर। जी, जरूर बताएंगे। ऐसा है कि देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि गढ़वाल का आदमी शेफ ही बनेगा, लेकिन मोस्टली जो है गढ़वाल से जो हमारे भाई हैं शेफ हैं, तो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा हर कंट्री में चले जाओ, आउट ऑफ चले जाओ, इंडिया में हो, किसी भी स्टेट में चले जाओ, जहाँ पर भी होंगे जो सीनियर शेफ होंगे या अच्छे शेफ जिनको माना जाता है, वो उत्तराखंड के ही माने जाते हैं, गढ़वाल के ही माने जाते हैं। ओके। और नंबर एक बात, जो इसमें दो बातें हैं, एक ऑप्शनली हमारे जो गढ़वाल में है जो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वहाँ पे थोड़ा लोग दो रास्ते चुनते हैं, एक तो होटल का चुनते हैं, दूसरा मिलिट्री की तरफ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और गवर्नमेंट जॉब की तरफ लोग कम ध्यान देते हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ पे जो है स्टडी हो गए, जैसे पढ़ाई लिखाई का जो हमारे टाइम में, जिस टाइम में हम पढ़ाई की थी तो क्रेज बहुत कम था। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे पास प्लस टू करने या ग्रेजुएशन करने के बाद एक ऑप्शन बचता है कि चलो भाई कोई डिग्री लेते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो हमारी चॉइस थी। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती इस लाइन में घसीट गए। हाँ जी। एक टाइटल होता था देखने का, किसी से आप लोग को देखते थे, उसकी यूनिफॉर्म देखते थे, उसकी कैप देखते थे कि चलो भाई कितना अच्छा लग रहा है, तो वही चॉइस थी कि भाई मुझे भी शेफ बनना है। तो इसीलिए मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ, तो कारण हमने भी डिप्लोमा ज्वाइन किया है, उसके बाद अपनी करियर की स्टार्ट किया। बात करें गढ़वाल की, तो जितने भी ऑल वर्ल्ड की हम बात करेंगे तो हर जगह हमारे जो गढ़वाल के भाई हैं वो अपने आपको मिल जाएंगे, नाम रोशन कर रहे हैं, एक अच्छे से बन गए। करेक्ट शेफ, करेक्ट, बिल्कुल शेफ। शेफ, अभी आपने जैसे आपसे मेरी पहले भी कई बार बात हुई, आपने बाहर फॉरेन कंट्री में भी अपना जो जॉब की है, तो आप थोड़ा सा वहाँ का थोड़ा एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, वहाँ के कल्चर के हिसाब से किस तरीके से काम होता है, इंडिया में वहाँ पे किस तरीके से काम होता है। जी शेफ, मैंने तो 2017 की बात है, 2017 की बात है, मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक ब्रेंडली रेस्टोरेंट नाम से वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। ओके, ठीक है। तो वहाँ के लिए अप्लाई किया था, तो एज ए मैं सिलेक्ट हुआ था, तो मैं गया यहाँ से, तो मेरा 2 इयर्स का वर्क परमिट वीजा मिला था मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए। अच्छा। और
वो वहां का लोकल रेस्टोरेंट है, बट वहां पे एक इंडियन कुजिन सेपरेट है रखा हुआ, जो एशियन कुजिन, इंडियन कुजिन है, तो वो सेपरेट कुजिन था। तो मैं उसमें एज ए हेड शेफ के रूप में यहाँ से गया था। अच्छा ओके हाँ जी तो वहां का जो सिस्टम है, मतलब जैसे बोलते हैं एक इंडिया होता है, एक दुबई होता है, मतलब आउट ऑफ अदरवाइज अदरवाइज कंट्री का, तो वहां पे जो हाँ काम करने का तरीका है तो यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है, बट कुजिन सेम है, लेकिन हाँ जी हाँ जी जो वहाँ पे काम करने की इक्विपमेंट है किचन के अंदर एंड डिश सर्व करने का सिस्टम है, ये थोड़ा डिफरेंट है। बहुत इजीली आदमी काम कर लेता है वहाँ पे, जितना हार्ड वर्क यहाँ पे करना पड़ता है वहाँ पे नहीं कर सकते। हाँ हाँ जी मतलब कि आप बोल सकते हैं कि जो सिस्टम्स होते हैं वो वहां पे ज्यादा आसान होते हैं, अगर हम लोग इंडिया की आसान बात होता करें, है इंडिया में हाँ इंडिया में सिस्टम्स कम है एक तरीके से। हाँ जी, वहां पे अच्छा इक्विपमेंट अच्छे हैं। हाँ। अच्छा वर्क कल्चर कैसा होता है, मान लीजिए जैसे वहां के, जैसे अगर आपके साथ मतलब कि कोई और नेशनलिटीज भी काम करते थे, जैसे आप इंडियन हो गए, या जी रेस्टोरेंट के अंदर अगर कोई और नेशनलिटी या जो जी बहुत ऑस्ट्रेलियन सारे लोग थे होते सर। हैं। जैसे मेरे देखो, जो मेरा मेरा जो मेन कुजिन था इंडियन कुजिन था, उसमें मैं इंडियन तंदूर जो होता है मेन हमारा, जो इंडियन कुजिन के अंदर आते हैं वहां पे, हाँ जी तो उसके साथ मेरे साथ है दो लड़के, एक लड़का वहां का था, एक दो लड़के, दो शेफ अफगानिस्तान से भी थे, ओके हाँ और एक शेफ इंडिया से ही थे, मतलब जो मोस्टली तंदूरी में देखते थे। और ओके हाँ ऐसा नहीं वहां पे कि काम, मतलब जो से मैं शेफ हूँ, हेड शेफ हूँ वहां पे, तो उस डिपार्टमेंट का तो मुझे काम नहीं करना, देखना है, ऐसा नहीं। वहां पे जो कल्चर है, मतलब काम करने का तरीका है, तो हर आदमी को अपने फ्री टाइम के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि मैं फ्री हूँ तो मुझे ये काम करना है, वो फ्री है तो वो काम करेगा, ऐसा नहीं कि मेरा काम ही है तो मैं इस तरह काम करूँगा। नहीं इस तरह के अंदर के जो भी है काम होता है वो करना पड़ेगा वहां पे किचन में, जो अपने डिपार्टमेंट के अंदर आता शेफ कितने कितने साल लगे थे आपको, आप जो ये आप बाहर गए, कितना कितना टाइम आपको लगा इंडिया, मतलब इंडिया में कितना आपका एक्सपीरियंस रहा, फिर उसके बाद आपने बाहर के लिए अप्लाई किया, और है। आपने मैंने पहली बार 2013 हाँ। शेफ और से ये स्टार्ट मत किया, और हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है शेफ ठीक है। और सत्रह उसके बाद सत्रह दो चार साल साल 4 साल में, उसके बीच में इंडिया में हाँ समथिंग 6 होटल चेंज कर दिए थे, 6 रेस्टोरेंट में मैंने, मतलब 4 रेस्टोरेंट थे उसमें 2 होटल थे, मैं इंडिया में काम कर चुका था। ओके ठीक है सर। सर अभी जैसे कि अभी हम लोग जैसे इंडिया में हम लोग रेस्टोरेंट होटल्स की बात करते हैं, जैसे करंटली अभी आप 5 स्टार होटल में एग्जीक्यूटिव शूट शेफ हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी आप बड़ी पोजीशन बोल सकते हैं, और हम प्राउड भी फील करते हैं कि भाई आप इतनी अच्छी जगह पहुंचे और इतनी बड़ी जगह पहुंचे। और यहाँ पे जो डिफरेंस की हम लोग बातें करेंगे, अगर हम एक रेस्टोरेंट की बात करें और एक होटल की बात करें, तो क्या डिफरेंस हो जाता है, मतलब कि जैसे एक नया बच्चा कोई आता है वो बोलते हैं कि मेरे को 5 स्टार होटल में ही जाना है, ठीक है, क्योंकि अभी हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो जाता कि भाई वो 5 स्टार होटल में पहुंच पाए। ठीक है, अगर जैसे मैं बात करूंगा, मैंने 5 स्टार होटल 4 स्टार होटल सब जगह ही काम कर लिया, ठीक है, तो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है कि भाई वो कंपनी कैसी है, ठीक है, एट द लास्ट मेरी सैलरी टाइम पे आ रही कि नहीं आ रही, ये नहीं कि भाई बहुत बड़े होटल्स हो। मैंने अभी कई सारे ऐसे होटल्स हैं जो बड़े होटल्स हैं बट 5 स्टार होटल है, बट उनकी जो तनख्वाह है वो इतनी लेट होती है या 2 महीने के बाद मिलती है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो जी यहाँ पे क्या आप डिफरेंस इनके बीच में आप करना चाहोगे, होटल्स और रेस्टोरेंट के बीच में? डिफरेंस सिर्फ इस प्रकार का है, जैसे अभी कोई, जैसे सपोज दैट कोई होटल हाँ रेस्टोरेंट में, एक छोटे से रेस्टोरेंट से आदमी अपनी शुरुआत करता है, हाँ जी हाँ तो वहां पे रेस्टोरेंट में और होटल में काफी डिफरेंट है, बट काम करने का तरीका सेम है, लेकिन थोड़ा सिस्टम चेंज हो जाता है। हाँ जी हाँ जी अगर रेस्टोरेंट से कोई शुरुआत करता है तो एज ए उसको काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मतलब हर हाँ जी डिपार्टमेंट देखना पड़ेगा। अगर आदमी के मन में सोचे कि मुझे एक अच्छा शेफ बनना है, तो उसे काफी स्ट्रांगली हैंडल करना पड़ेगा हर वर्क, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट हो, होटल के अंदर मेंटेनेंस हो, जो किचन का मेंटेनेंस हो, इक्विपमेंट परचेजिंग हो, अपने सीनियर शेफ से जो भी क्यूरी है वो पूछ के उसको कवर कर सकता है, लिख के स्टडी करके एक रेस्टोरेंट में आदमी कर सकता है, मतलब इतना कर सकता है कि वो एक रेस्टोरेंट के अंदर एक अच्छा शेफ बन सकता है, ओके ठीक एक्चुअली बन है सकता है। बट अगर इसी में अगर होटल की बात करें, हाँ होटल की जी बात करें तो उसको डिपार्टमेंटली सेम, जैसे ये इंडियन कुजीन में या कॉन्टिनेंटल कुजीन में या चाइनीज कुजीन में, जिस भी कुजीन में है उसमें अपने सीनियर शेफ से हर वर्क को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और जैसे फर्स्ट कॉमी जाते हैं सपोज दैट, या सेकंड कॉमी जाते हैं, तो उसको अपने फर्स्ट कॉमी या जो सीडीपी लेवल के, डीसीपी लेवल के होते हैं या टीचर लेवल के
सीनियर होते हैं, तो उनसे हर मैं जो इक्विपमेंट है, हर जो खाने के बारे में जानकारी है, वो सबसे पहले मैं बेसिकली ये बोलना चाहूंगा कि उनको नोट करना चाहिए, जो रेसिपीज होती है लिखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, उसके बाद ही वो बहुत जल्दी ग्रो कर पाएंगे। अच्छा, एक शेफ मैंने तो सबसे ज्यादा ये देखा ना, और मतलब पूरे हर वीडियोस में अगर हम लोग देखें, हम लोग पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, ठीक है। जी, अभी मैं मतलब जो होती भी है। मैं कर पा रहा हूँ, हाँ, जहां भी मैं पहुंच पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसमें पढ़ाई लिखाई का जरूर योगदान है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप कोई PhD कर लो, नहीं, सिंपल जी सिंपल जी चीजें जी होती हैं। जैसे मैं भी इस पोजीशन में यहाँ पे आया, तो मैंने भी आपकी सारी बुक, बहुत सारी बुक है जो स्टडी की, मैं डेली, मैं प्रत्येक मंथ समथिंग 1000 रुपीज की बुक अच्छा परचेज करता हूँ इधर उधर से। तो हमने अच्छा आपकी भी, हाँ मेरे पास अभी 6 या 7 बुक्स हैं जिनको मैं ओके, कंटिन्यूअसली हाँ रीड करता हूँ, नाइट में, दिन में, जब भी मेरे को टाइम मिलता हाँ है, फ्री टाइम। तो उसी की ओके ओके, बदौलत जो है, मैं आज जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि उसमें भी आपका बहुत बहुत थैंक्स है, आपका बहुत योगदान है आपकी बुक का, जिन्होंने मुझे आज एग्जीबिशन नहीं में एज ए सर, स्पीकर में प्रमोट करवाया। हाँ, नहीं सर, मेनली मैं तो, मेरा मकसद यही है, मतलब इस चैनल का पूरा, ठीक है, मतलब कि मैं तो इसको एज अ कैरियर ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मेनली अगर हम देखें, हम लोग जो हॉस्पिटैलिटी वाले पीछे रह जाते हैं, कोई 5 स्टार होटल में करना चाहता, नहीं पहुंच पाता, हर किसी को लगता है कि वो एक खाना बना लेगा तो वो आगे पहुंच जाएगा, बट खाना तो आपको आ ही जाएगा। अगर आप कहीं पे 15-20 साल जी नौकरी जी करोगे तो आपको खाना बनाना आ ही जाना है, बट सिर्फ उस खाने को बिल्कुल जी लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब जैसे जैसे जी दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, चीजें आगे बढ़ती जा रही है, तो हमको भी अपने जो सोचने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा। जब जी बहुत सारी चीजें हैं जब उसमें। देखो, खाना तो घर घर में भी बना सकता है कोई, तो खाने के साथ साथ आदमी को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, या बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस इंडस्ट्री में। अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग बात करने का तरीका होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग कुछ होती है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आदमी को। नॉलेज एज ए फूड नहीं है, एज ए अपना पर्सनल नॉलेज जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है आदमी। शब एक ना, स्टूडेंट्स के मन में सबसे ज्यादा ये रहता है कि भाई, जैसे मान लीजिए मैंने आप कोई डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, अब उनके दिमाग में रहता है कि भाई मैं इंडियन चूज कर लूँ, मैं कौन सी चूज कर लूँ, ठीक है। मेनली दो ही रह जाते हैं, ठीक है, फिर बाद में अगर इंडियन भी चूज कर लेता है, फिर उसके दिमाग में आता है मैं तंदूर चूज कर लूँ, मैं करी चूज कर लूँ, तो इस समस्या का देखो, समाधान कैसे होना चाहिए। अभी इसमें तो स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन आते हैं।